फ्रेंड्स, आदर्श आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने अपने वीडियो में, इसके पहले वाले में, हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में बात करी थी और उसमें ये जाना था कि संस्कृत में प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और हमने इसके जो एक भाग है प्रत्यय का, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ये प्रत्यय के दो भाग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करी थी। तो आज हम लोग इसके दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो हमने कल इसके भाग बताए थे प्रत्यय के, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो हम लोगों ने कल अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न हमारे पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न हमारे पांच प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न में बताया था कि ये हमारे 11 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से प्रयत्न होते हैं बाह्य प्रयत्न में, आज हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है कि जो हमारे मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मतलब कि जब हमारे मुख से वर्ण निकलते हैं और जो उच्चारण की, मतलब उनको बोलने की जो चेष्टा होती है, चेष्टा मतलब प्रयास, कल मैंने आपको प्रयत्न का अर्थ बताया था, प्रयास। तो जो वर्णों के उच्चारण करने का प्रयास होता है एक प्रकार से, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ये परिभाषा हो गई कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है एक पॉइंट कि बाह्य प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के थे, पांच प्रकार के थे। ठीक है, तो अब हमारे इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के बताए गए हैं, यहाँ पे 11 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 11 प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है विवार, फिर आता है संवार, फिर श्वास, फिर नाद, फिर घोष, फिर अघोष, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर उदात्त, अनुदात्त, और सबसे आखिरी वाला क्या होता है, स्वरित। ठीक है, तो ये हमारे 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हो गए। अब हम लोग इसके डिटेल से ये बात करेंगे कि ये जो हमारे प्रयत्न हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे 11 प्रकार के प्रयत्न जो बताए गए हैं, इनमें से दो तीन ऐसे हैं जो कि एक साथ ही एक जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है विवार, श्वास और घोष। अभी मैंने आपको 11 प्रयत्न बताए, उनमें से था विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वरित। ठीक है, ये हमारे 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न थे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं विवार, श्वास और घोष, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये विवार, श्वास, घोष प्रयत्न जो है वो हमारे खर प्रत्याहार, मैंने जब आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे तब उसमें बताया था, एक आता है खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, श। ठीक है, ये इसके अंतर्गत, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो विवार, श्वास और अघोष में खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, विवार, श्वास और घोष प्रयत्न कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका एक श्लोक है इस तरह से, या सूत्र मान लीजिए कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ये इसलिए लिखा जाता है जिससे कि आपको इतना लंबा ये याद, अगर आप भूल जाओ तो आप ये छोटा सा श्लोक इसका याद कर सकते हो, जिससे कि आपको जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इसीलिए लिखा जाता है। तो हमारा विवार, श्वास और अघोष में ये क्लियर हो गया कि जो भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्ण आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाह्य प्रयत्न की विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा है कि संवार, नाद और घोष। देखिए, संवार, नाद, घोष के अंतर्गत कौन से प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत वाले वर्ण आते हैं। जैसे यहाँ पे विवार, श्वास और अघोष में खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण थे, उसी प्रकार से संवार, नाद, घोष में हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा ह, य, व, र, ल, ई, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध,
जब ग ड द ये हमारे वर्ण आते हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं व्यंजन वर्ण, जो कि हमारे संवार नाद घोष प्रयत्न के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष होता है। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड नंबर भी क्लियर हो गया कि संवार नाद घोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी श्लोक है इस तरह से कि हशा संवारा नाधा कोशाशी, मतलब कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न आते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये सूत्र श्लोक जो लिखे हुए हैं इनको आप पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है अल्पप्राण। देखिए अल्पप्राण महाप्राण इन दोनों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी में पूछ ले या संस्कृत में पूछ ले, दोनों में बात एक ही होती है। तो अल्पप्राण और महाप्राण इनके सबसे मेन पॉइंट माने जाते हैं। देखिए अल्प मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं कि अल्प का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है अल्प का मतलब, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, और प्राण, प्राण मतलब होता है हमारी वायु से। ठीक, तो हमारा अल्प का अर्थ हो गया थोड़ा और प्राण का अर्थ हो गया हमारा वायु से। ठीक है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। मतलब कि हम जो भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन अल्पप्राण होता क्या है ये समझ लीजिए कि जिस वर्ण के बोलने से, बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकनी पड़े, मतलब कि हमें कम मेहनत करनी पड़े उन वर्णों को बोलने में, तो हमारे मुख से कम वायु निकलेगी। और जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है मुख से उसे हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा अल्पप्राण। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। ठीक है, थोड़ी वायु। ठीक है, तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। अब नोट में देख लीजिए कि अल्पप्राण होते क्या क्या हैं। देखिए वर्ग के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा यण, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो वर्ग होता है हमारा काखा गाघा वर्ग होता है। ठीक है, जैसे का वर्ग हो गया, सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग है, इस तरह के वर्ग होते हैं। तो वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण, ठीक है, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण तथा यण प्रत्याहार, तथा यण। ठीक है, यण प्रत्याहार मैं आपको बताया था चार वर्ण आते हैं, कौन कौन से, या, वा, रा और ला। ठीक है, ये हमारे चार वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्प प्राण होगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि अल्प प्राण वर्ग के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर होगा कि पहले तीसरे और पांचवें वर्ण तथा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, कुल चार वर्ण होते हैं, कौन कौन से, या, वा, रा और ला। ठीक है, अब इसका श्लोक देख लेते हैं कि लिखा हुआ है इसमें वर्गणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणा, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये अगर याद हो जाएगा तो आपको इतना सारा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये अल्प प्राण कम्प्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो है, एक मिनट, इसका जो नेक्स्ट है हमारा, हाँ अभी अल्पप्राण में वर्ण किस प्रकार से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो अल्पप्राण में वर्ण किस प्रकार से होते हैं, देखिए जैसे का वर्ग है तो मैंने आपको बताया कि पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो का वर्ग में कौन, में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, देखिए जब हम का वर्ग पढ़ेंगे तो का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा, ये पांच वर्ण आते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है अल्पप्राण में कि पहला, तीसरा और पांचवा,
ठीक है, तो पहला हमारा का हो गया, का के बाद खा होता है दूसरा, खा गा, गा हमारा हो गया तीसरा, का खा गा घा अंगा, ठीक है, अंगा हमारा हो गया पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा, इस तरह से होते हैं अल्पप्राण वर्ण। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि का वर्ग के अंतर्गत अल्पप्राण कौन से होंगे, का गा अंगा, चा वर्ग में अगर पूछ ले तो चा जा इया, और टा वर्ग में पूछ ले तो टा रा अड़ा, और ता वर्ग में पूछ ले तो ता दा ना, पा वर्ग में होगा पा बा मा, यण वर्ग, यण में तो आपको पता ही है या व रा और ला, ठीक है। इसमें नोट एक लिखी हुई है कि 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य अल्प प्राण होगा, मतलब कि अगर इनकी कुल संख्या पूछ ले कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं अल्प प्राण के जो कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा आंसर होगा 19। कुल 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा महाप्राण, जिसके बारे में बताने जा रहे थे आपको। तो महाप्राण क्या होता है देख लेते हैं। जैसे हमारा अल्प प्राण होता है उसी का उल्टा हमारा क्या होता है, महाप्राण हमारा उसी का उल्टा होता है। तो महा, महा मतलब होता है अधिक, जैसे अल्प मतलब होता है कम, उसी तरह से महा मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, और प्राण का मतलब तो वायु आपको पता ही है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यहाँ से ये निकल रहा है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें अधिक वायु को बाहर फेंकने की आवश्यकता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अब नोट में देख लीजिए कि ये वर्ण जो वर्ग होते हैं हमारे, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, अभी मैंने आपको बताया, तो जैसे अल्प प्राण हमारे पहला तीसरा और पांचवा था, उसी का अपोजिट मतलब जो हमारा बचा दूसरा और चौथा, इस ये हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि वर्गों के दूसरे द्वितीय और चतुर्थ और शल, शल मतलब शल प्रत्याहार की बात करी जा रही है यहाँ पे, और शल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, शा खा शाह, मतलब कि तीनों शाह और हा, ये हमारे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, चार, ठीक है। तो वर्गों का क्या होता है, बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा, ओके, मतलब कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ। देखिए जब अल्प प्राण में हमने तीसरा चौथा और पांचवा निकाल दिया तो हमारे बचे कितने, दो, कौन कौन से, द्वितीय और चतुर्थ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार से ट्रिक है याद करने की। उसके बाद इसका श्लोक देख लेते हैं, सूत्र टाइप का, कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शल्यश्च महाप्राणा, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसमें नोट में लिखा है कि 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। जैसे भी आपको बताया था कि 19 व्यंजन वर्णों का क्या होगा, अल्प प्राण होगा, उसी प्रकार से अगर महाप्राण की संख्या पूछी जाएगी तो हम कुल संख्या इनकी क्या लिखेंगे, 14, ठीक है। और ये जो जिसके अंतर्गत ये आते हैं इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा कि वर्ग के कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय चतुर्थ के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, महाप्राण, और पहला तीसरा और पांचवें में हमारा क्या आएगा, अल्पप्राण, ठीक है। यही दोनों चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। इसके आगे देखते हैं, हाँ, अब महाप्राण में वर्ग किस वर्ण किस प्रकार हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जैसे का वर्ग है तो हमारा पहला तीसरा पांचवा वर्ण तो निकल गया, बचे हमारे कौन से, दूसरा और चौथा। तो दूसरे चौथे में कौन कौन सा आता है, का वर्ग में देखिए दूसरे में आता है का के बाद आता है खा, खा गा घा छा, ठीक है, का खा, का खा गा घा अंगा, ठीक है। उसके बाद चा वर्ग में हमारा होता है छा और झा, फिर टा वर्ग में हमारा होगा रा और रा, फिर ता वर्ग में होगा था और धा, फिर पा वर्ग में होगा फा और भा, और शल में हमारा होता है शाखा शाहा, ठीक है। ये जब लिखिएगा शाखा शाहा तो इसमें हलंत लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे ये महाप्राण वर्ण इस प्रकार से हो गए, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 14, और अगर अल्प प्राणों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, कुल 19, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे उद्दात्त। तो उद्दात्त का सूत्र क्या होता है, उच्चैर उदाता, ये इसका सूत्र है उद्दात्त का, ठीक है। तो उद्दात्त का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। उद्दात्त का मतलब है कि भीतर, मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर अच
की उदात्त संज्ञा होती है, मतलब कि मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है, जो हमारे मुख के भीतर उच्चारण स्थान होते हैं कंठ तालु मूर्धा आदि, उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले, ठीक है, ऊर्ध्व भाग मतलब ऊपरी भाग से बोले जाने वाले स्वर, स्वर मतलब अच प्रत्याहार, अच अच के अंतर्गत आते हैं ना स्वर, तो बोले जाने वाले स्वर ब्रैकेट में अच की क्या होती है, हमारी उदात्त संज्ञा होती है, ठीक है, ये हमारा उदात्त प्रयत्न बाह्य प्रयत्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अनुदात्त, तो अनुदात्त का श्लोक है कि निचैरनुदात्ता, ठीक है, ये हमारा अनुदात्त का श्लोक है। देखिए उच्चैरुदात्ता और निचैरुदात्ता ये दोनों अपोजिट हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, उदात्त और अनुदात्त। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि कंठ तालु, मुख के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग, मतलब अधोभाग, निम्न मतलब क्या हो गया, मतलब अधोभाग से उच्चरित होने वाले स्वर, मतलब कि अच की क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है, ठीक है। मतलब उदात्त अगर पूछा जाएगा तो हमारे ऊर्ध्व भाग से जो उच्चरित होते हैं स्वरवर्ण वो आ जाएंगे, अगर अनुदात्त पूछा जाएगा तो हमारे निम्न भाग मतलब कि अधोभाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, अनुदात्त संज्ञा में आ जाएंगे, ओके। तो हमारा ये उदात्त और अनुदात्त यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि स्वरित, देखिए स्वरित क्या होता है, इसका श्लोक है समाहारा स्वरिता, ये इसका श्लोक है स्वरित का, तो इसका यूज़ कैसे होता है देख लेते हैं। जहाँ उदात्त अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, मतलब कि जहाँ पर ये हमारे उदात्त और अनुदात्त दोनों मिलते हैं, समाहार मतलब मिलना एक प्रकार से, तो उस स्वर अच की क्या होती है, स्वरित संज्ञा होती है, ठीक है। जहाँ पर उदात्त और अनुदात दोनों का समाहार होगा वहाँ पे हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, स्वरित संज्ञा हो जाएगी, ओके। उसके बाद एक नोट है, इसमें देख लेते हैं, आप नोट जो मैं लिखती हूँ उस पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि नोट से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नोट में बहुत ही मेन पॉइंट लिखे जाते हैं, इसलिए नोट पर विशेष ध्यान दिया करिए। तो नोट में लिखा है कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होते हैं इनके अंतर्गत क्या आते हैं, केवल स्वर आते हैं। इन्हें समझने के लिए वैदिक ग्रंथ में विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मतलब जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें इनको समझने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिससे कि ये आसानी से समझ आ सके। तो अनुदात अक्षर के नीचे पड़ी लाइन, जब भी अनुदात अक्षर लिखा होगा उसके नीचे पड़ी लाइन, ऐसे पड़ी लाइन बनती है ना, तो उसके नीचे पड़ी लाइन होगी, और अगर स्वरित अक्षर होगा तो उसके ऊपर क्या होगी, खड़ी लाइन होगी। ये हमारे अनुदात तो स्वरित को पहचानने का एक प्रकार से चिन्ह है, ठीक है, और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। देखिए अनुदात्त अगर होगा तो पड़ी लाइन होगी, और अगर स्वरित होगा तो ऊपर से खड़ी लाइन होगी, और उदात्त अगर पहचानेंगे तो उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा होगा। तो ये इसकी उदात्त अनुदात्त और स्वरित को पहचानने की एक प्रकार से ट्रिक है, ओके। तो आज से हमारे यहाँ पे प्रत्यय के जो मैं दूसरा भाग लेकर आई उसमें मैंने बाह्य प्रयत्न बताया, जिसमें कि मैंने 11 प्रयत्नों के बारे में आपको बताया कि बाह्य प्रयत्न में कुल 11 भाग होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट होगा, जिससे कि आपके जो भी इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा या कोई भी डाउट रह गया होगा तो हमारे प्रैक्टिस सेट में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और बी केयरफुल, बाय बाय एंड टेक केयर।